Hello children, how are you all? I hope you all are doing well, watching the videos, completing your work. So children, watch the videos regularly and complete your work from the video. Children, if you remember in the previous video, we were doing chapter 6, that is word pad. So let us start. So children, this is chapter 6, word pad. In this chapter, children, yesterday we came to know that WordPad is a program which is used to write text. So WordPad एक program है, जैसा कि अपने previous class में we have studied that, you all have studied in your previous class that Notepad is a program and it is used for typing in the computer. Similarly, children, WordPad is also one of the program which is used for typing in computer. So WordPad is a program that is specially meant for typing text, and WordPad has many features through which you can make your text appear more beautiful and attractive. So, अब लास्ट ईयर जो हमने Notepad पढ़ा था वो एक सिंपल सा प्रोग्राम था जिसमें हम सिर्फ टाइप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे WordPad थोड़ा उससे और बेटर है जिसमें हम लिख भी सकते हैं और अलग अलग स्टाइल्स में लिख सकते हैं. सो चिल्ड्रन, WordPad इज अ प्रोग्राम That is specifically, यानी कि वो specially बना है for typing text, और उस text को it has a feature through which we can make our text appear attractive and beautiful. जिसके through हम अपने text को जो भी हम लिखते हैं computer में उसको अच्छा दिखा सकते हैं या फिर हम उसको सुंदर दिखा सकते हैं, उसको हम attractive दिखा सकते हैं. So children, अब थिंग इज़ कि हाउ यू विल स्टार्ट WordPad. तो अब सेम जैसे Notepad या पेंट को स्टार्ट करते हैं और कैलकुलेटर को स्टार्ट करते हैं, वी विल स्टार्ट WordPad ऑल्सो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर कंप्यूटर इज ऑन. द फर्स्ट स्क्रीन विच अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ अस इज डेस्कटॉप विंडो. तो सबसे पहले जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं और पासवर्ड टाइप करते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहली स्क्रीन दिखाई देती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं. और चिल्ड्रन, फ्रॉम द डेस्कटॉप You can open any program which you want to open. So you have to go to the start button. सबसे पहले आपको start button पे जाना होगा. यहाँ पे start button होता है आपके desktop में सबसे नीचे, start button होता है. When you click on start button, children, you will get this screen. आपको ये screen मिलेगा. आप start button नहीं, ये screen नहीं मिलेगा. आप पहले start button पे click करेंगे. Start button पे click करने के बाद आपको menu खुलेगा. मेन्यू में आप चिल्ड्रन एक छोटा सा मेन्यू खुलेगा, लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स खुलेंगे जिसमें सबसे नीचे ऑल प्रोग्राम्स लिखा होगा. व्हेन यू क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम यू विल गेट अनदर मेन्यू इन विच यू विल हैव विंडो एसेसरी. देर विल बी लॉट ऑफ प्रोग्राम्स बट यू विल सर्च फॉर विंडो एसेसरीज. यू विल सर्च फॉर विंडो एसेसरीज. अब इन विंडो एसेसरीज देयर आर मेनी प्रोग्राम्स, सो देयर यू विल सर्च फॉर वर्ड पैड. So when you get WordPad, children, you will click on WordPad, and after clicking on WordPad, you will get another window appear on your screen, and that window is somewhat like this. जो window हमारे screen पर आएगा Notepad select करने के बाद वो कुछ ऐसा दिखता है. अब आपने देखा था कि Notepad का जो window होता है वो थोड़ा simple सा होता है जिसमें title bar होता है, फिर menu bar होता है और side में three minimum, minimize, maximize या क्लोज प्रोग्राम होता है. अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं अबाउट विच वी विल बी रीडिंग वन बाय वन. सो चिल्ड्रन, Notepad, एज यू नो Notepad इज सॉरी एज यू नो WordPad इज अ प्रोग्राम विच इज़ यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट. अगर इफ़ यू कैन सी इन योर बुक, आपके ऊपर यहाँ पे दिया होगा ये नाम है प्रोग्राम का, जो भी प्रोग्राम हमने विंडो खोला है, और विंडो में हमारे पास WordPad विंडो है. जो विंडो है वो WordPad का है, तो जो भी हम लिखेंगे, जो भी प्रोग्राम का नाम होगा उसके साथ WordPad भी होगा, लेकिन जब तक हम इस प्रोग्राम को सेव नहीं करेंगे तब तक इसका नाम होगा अनटाइटल्ड WordPad. अब चिल्ड्रन, यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम है जिसमें होम है, व्यू है, और फाइल वाला तो सबसे पहले होता ही है जिसमें हमें डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई देते हैं यूजिंग दीज ऑप्शंस. सो चिल्ड्रन, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन ऑल दीज थिंग्स विच आर फाउंड in this window, that is WordPad window. So this is how a WordPad window appears, and now you can see here this is called WordPad window. हम इसको WordPad window कहते हैं. अब
there are different features in this window. Let us understand the different features. Before that, let us revise how to start WordPad. So till now, children, we have studied that if you want to start a WordPad, children, you can open WordPad program by following the following steps. यहाँ पे आपके following steps हैं जिसको आप follow करके अपने computer में WordPad को खोल सकते हो. So children, सबसे पहले कोई भी program खोलने के लिए you have to click on start button, and you all know the position of start button as we have studied in the previous chapter. Start button is found at the right left bottom corner of the desktop. Start button is found at the left bottom corner of the desktop window. डेस्कटॉप विंडो में जो कॉर्नर में छोटा सा लेफ्ट कॉर्नर में छोटा सा राउंड बटन है जिसमें हमको विंडो फ्लैग बना होता है उसे हम स्टार्ट बटन कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन दैट. क्लिक करना मतलब मैंने आपको बताया क्लिकिंग द लेफ्ट बटन. अगर आप लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करते हो, व्हाट इज़ दिस लेफ्ट बटन? ये लेफ्ट बटन आपका माउस बटन है जिसको एक बार आप क्लिक करते हो तो उसको हम क्लिक कहते हैं. क्लिक मीन्स प्रेसिंग लेफ्ट बटन वंस. लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करने को हम क्लिक कहते हैं. तो क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. फर्स्टली यू विल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन यू विल क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम. व्हेन यू गेट अ मेन्यू, इन द मेन्यू एट द बॉटम यू विल फाइंड ऑल प्रोग्राम. यू विल क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, देन यू हैव अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम दैट अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ यू. फ्रॉम दैट लिस्ट चिल्ड्रन यू हैव टू सर्च फॉर द विंडो एसेसरीज. अब W से होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, तो आप नीचे W में जा कर के क्लिक करेंगे, वहाँ पे विंडो एसेसरीज मिल जाएगा. अब यहाँ पे क्लिक का मतलब प्रेसिंग लेफ्ट बटन वंस, तो यू विल हैव एसेसरीज सब मेन्यू विल अपीयर. जितने भी एसेसरी विंडो एसेसरीज में उसके नीचे और भी प्रोग्राम होते हैं वो सारे आपको अपीयर हो जाएंगे. एंड नोट पैड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रोग्राम विच इज़ अमंग द सब मेन्यू, विच इज़ इन द सब मेन्यू ऑफ द एसेसरीज. तो नोट पैड जो वर्ड पैड जो होता है वो भी एसेसरीज के नीचे जितने भी सब मेन्यू में के प्रोग्राम होते हैं उन्हीं में से एक होता है. तो हियर यू ऑल आर फेमिलियर विथ वर्ड पैड बिकॉज यू आर लर्निंग हियर वर्ड पैड. यू आर फेमिलियर विथ पेंट, यू आर फेमिलियर विथ नोट पैड. तो ये सारे आपको प्रोग्राम्स विंडो एसेसरीज में दिख जाएंगे, बट वी डोंट नीड दोज प्रोग्राम. यू विल क्लिक ऑन वर्ड पैड. आप वर्ड पैड पर क्लिक करोगे and the WordPad window will appear. Here is the WordPad window. ये आपका WordPad window है, ये आपके screen में खुल जाएगा. अब इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते हो. Let us understand these things one by one. So next children, यहाँ पर आपके पास है WordPad window. हम सब WordPad window हमने देखा हुआ है. So after you open WordPad, you will see that the interface is completely modified in comparison to the previous video of WordPad. तो जो पहले वाला वीडियो होता था, वर्जन होता है WordPad का, उससे अब हमारे पास मॉडिफाइड वाला है. तो यू विल फाइंड सर्टन डिफरेंसेस इन द न्यू WordPad वर्जन. तो एज आई टोल्ड यू कि टाइम टू टाइम दीज प्रोग्राम्स आर मॉडिफाइड, उसे अपग्रेड किया जाता है, उसमें कुछ चेंजेस ला करके. तो यहाँ पे जो अभी हमारे पास WordPad खुलेगा, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन. वो पहले वाले से उसमें काफ़ी सारे भिन्नताएं होंगी या डिफरेंसेस होंगे. तो हियर चिल्ड्रन टूल बार एंड द मेन्यू बार हैव बीन रिप्लेस्ड बाय रिबन्स एंड टैब्स. अब यहाँ पे पहले हमारे पास टूल बार हुआ करता था या फिर हमारे पास मेन्यू बार हुआ होता था. एज आई टोल्ड यू ऑल्सो चिल्ड्रन, दैट इज़ वाई till now I was telling that there is a title bar, then there is a menu bar. But you can see, if you see this window properly or with attention, you can see that the toolbars and the menu bars have been replaced by ribbons and tabs. So let us understand these ribbons and tabs. That means what are these ribbons and what are these tabs. So here is the labeled figure of this notepad word pad, WORD pad window. तो here children, as I told you in the previous video also, जब हमने कौन से प्रोग्राम के बारे में, हमने पेंट प्रोग्राम के बारे में पढ़ा था, तो इन द पेंट प्रोग्राम ऑल्सो वी हैड अ न्यू टैब दैट इज़ कॉल्ड क्विक एक्सेस टैब. हमारे पास एक नया टैब था जिसको हम क्विक एक्सेस टैब कहते हैं.
अब ये जो क्विक एक्सेस टैब होता है, इसमें हमारे पास कुछ बटन होते हैं जैसे कि अनडू, रीडू, और इससे हम इजीली किसी भी प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसे हम क्विक एक्सेस करते हैं, हम डायरेक्टली इन दोनों पे जाते हैं और उस प्रोग्राम में कुछ चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। देन हियर वी हैव वर्ल्ड पैड बटन और द फाइल टैब, जिसे हम फाइल कहते हैं, जो मेन्यू बार जिसे हम कहते थे उसी पे सबसे वाला जो पहले वाला जो बटन है वो फाइल बटन है, जिसमें हमारे पास वर्ड पैड बटन और फाइल टैब, ये सारी चीज़ उसी में होता है। तो यहाँ पे वर्ड पैड बटन कह सकते हैं और फाइल टैब हम इसको कह सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे यू कैन ओपन न्यू, या फिर सेव एज, प्रिंट, तो ये सारे ऑप्शन इसके अंदर होते हैं। एंड नाउ आफ्टर दैट वी हैव होम पेज में हमारे पास ये सारे जितने भी यहाँ पे बॉक्स में ऑप्शन दिए हैं ये सारे हाईलाइट होते हैं। देन उसके बाद हम इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब हम व्यू में जाते हैं तो कुछ और ऑप्शंस नए खुलते हैं, दैट ऑल्सो वी विल बी रीडिंग इन दिस चैप्टर। सो दिस इज़ विंडो ऑफ वर्ड पैड चिल्ड्रन एंड दीज आर द मेन हेडिंग्स। सो ये वाला जो है, जो जिसमें हमें बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं, इसको हम शायद रिबन कहते हैं, दिस वन इज़ नोन एज, दिस पार्ट इज़ नोन एज रिबन। बिलो रिबन देर इज़ अ ग्रे स्ट्रिप, उसको हम क्या कहते हैं, टाइटल बार के जस्ट नीचे जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मेन्यू बार अब नहीं कहते हैं, उसमें हमने दो चीज़ों में उसको डिवाइड किया, उसको हम टैब्स में डिवाइड कर दिया है। तो उसके में शुरू में हमारे पास फाइल होता है, उसके बाद होम टैब होता है, उसके बाद व्यू टैब होता है। फाइल का मतलब होता है किसी भी फाइल को खोलना, बंद करना। आप अगर देख सकते हो तो देर इज़ अ मेन्यू जिसमें इट विल बी आस्क्ड, डू यू वांट टू सेव द फाइल, और यू वांट टू सेव एज, यानी सेकंड टाइम यू आर सेविंग द फाइल, या फिर डू यू वांट टू ओपन और क्लोज द फाइल। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें अभी ये पढ़ेंगे, फिर बाद में उसके आगे का पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हो गया ये क्विक एक्सेस टूल, उसके बाद हमारे पास ये हो गया वाटर, दो स्ट्रिप्स वाटर के हैं, और उसके बाद हमारे पास हो जाता है थर्ड वाला जो है उसको हम रिबन कहते हैं, जो थर्ड वाली स्ट्रिप है जिसमें बहुत सारे हमें ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इसे हम रिबन कहते हैं। सो दीज द मेन्यू बार इज़ रिप्लेस्ड बाय द रिबन। सो चिल्ड्रन हियर वी हैव रिबन, यू कैन सी दिस ब्रॉड बॉक्स इज कॉल्ड रिबन। जस्ट बिलो देर आर डिफरेंट टैब्स, जैसे फाइल टैब, होम टॉप टैब, व्यू टैब। तो हमें यहाँ पे कुछ भी बना करके और अलग अलग ऑप्शंस को यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे होम यूज़ करते हैं, और कोई भी चीज़ हमने लिखी है और उसके बाद हमें कैसा उसे देखना है वो हम होम या व्यू टैब से जा करके उसका अपीयरेंस देख सकते हैं। नाउ चिल्ड्रन, अब इसके बाद ये तो हो गया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ विंडो, यानी कि आपका वर्ड पैड विंडो का अलग अलग पार्ट हो गया। उसके अलावा चिल्ड्रन यू शुड ऑल्सो नो दैट टाइटल बार का मतलब होता है द टॉप मोस्ट बार शोज द नेम ऑफ द डिस्प्लेड डॉक्यूमेंट। जो सबसे पहले वाला ऊपर होता है उसको हम टॉप मोस्ट बार कहते हैं। इसे हम ये जो सबसे ऊपर रेड कलर का, या फिर कह सकते हैं थोड़ा डार्क रेड कलर का स्ट्रिप है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल का मतलब होता है किसी भी नाम का, किसी भी डॉक्यूमेंट का, फाइल का नाम। तो यहाँ पे द टॉप मोस्ट बार शोज़ द नेम ऑफ डिस्प्लेड डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट खुला हुआ है वो टॉप मोस्ट बार होता है उसका नाम दिखाई देता है। इफ़ प्रोग्राम इज सेव्ड वो सेव्ड वाला नाम दिखाएगा, अगर आपका प्रोग्राम सेव्ड नहीं है तो वहाँ पे आपको अनटाइटल्ड बार दिखाएगा। सो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब होता है इट डिस्प्लेज क्विक एक्सेस बिटवीन क्विक एक्सेस बटन्स फॉर सेव, अनडू एंड रीडू कमांड। सो हियर चिल्ड्रन इट डिस्प्ले करना टू शो क्विक एक्सेस बटन शो करेगा फॉर सेविंग द डॉक्यूमेंट, अनडू और रीडू। ये तीन ऑप्शंस हमारे क्विक एक्सेस टूल में होते हैं। आपको किसी प्रोग्राम को व्यू करना है, आपको किसी प्रोग्राम को अनडू करना है, या रीडू करना है, या सेव करना है, तो आप ये सारी चीज़ें कहाँ से कर सकते हो? आप ये सारी चीज़ें क्विक एक्सेस टूल से कर सकते हो। देन वर्ड पैड बटन और फाइल टैब। ये वर्ड पैड बटन और फाइल टैब क्या होता है? इट डिस्प्लेज द मेन्यू ऑफ द कमांड्स। तो ये जो वर्ड पैड बटन और फाइल टैब होता है,
फाइल टैब में मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें कुछ कमांड्स होते हैं. कमांड्स हम क्यों यूज़ करते हैं चिल्ड्रन? वी यूज़ कमांड्स टू वर्क ऑन अ इन अ प्रोग्राम. आपको किसी भी प्रोग्राम में वर्क करना है तो वहाँ पे हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस या जो भी काम करना है उसको करने के लिए कुछ कमांड्स को फॉलो करना होता है. इट कैन बी न्यू. अगर आप न्यू करते हो, आप अगर यहाँ पे न्यू को चूज़ करते हो तो आपके सामने एक नया विंडो यानी कि नया पेज खुल जाएगा. विंडो का नया पेज खुल जाएगा और अगर आप ओपन करना चाहते हो तो ओपन करने के लिए आपने ऑलरेडी बनाई हुई जो फाइल है उसको आप ओपन कर सकते हो. तो वो ऑलरेडी बना करके जो सेव की हुई फाइल है वो ओपन हो जाएगी. तो न्यू का मतलब एकदम फ्रेश विंडो खुलेगा जिसमें कुछ भी नहीं होगा, हमें करना है. लेकिन ओपन का मतलब है जो ऑलरेडी हमने करके सेव किया हुआ है वो वाला विंडो हमको खुलेगा और उसमें हमें एडिट करना है, कुछ चेंजेस करने हैं तो वो हम कर सकते हैं. तो दीज आर द कमांड्स. न्यू है, प्रिंट है, ओपन है, ये सारे कमांड्स होते हैं. तो ये सारे कमांड्स होते हैं. तो यहाँ पे वर्ड पैड बटन और फाइल बटन सबसे पहले वाला होता है. ये जो सबसे पहले वाला है इसको हम अगर हम यहाँ पे रिबन में जाएं तो ऑल दीज आर फाउंड इन द रिबन. ये पूरा स्ट्रिप को हम अभी रिबन कह नहीं रिबन के ऊपर वाला जो स्ट्रिप है ये वाला स्ट्रिप है टैब, जिसको हम पहले मेनू बार कहते थे इसको अभी हम टैब कहते हैं. वी कॉल इट एज टैब. हम जो मेनू बार में हमारे पास ऑप्शंस हैं उनको हम टैब कहते हैं. अब टैब में सबसे पहले हमारे पास है फाइल. फाइल में क्या क्या होता है? जब हम फाइल में जाते हैं तो फाइल में कुछ कमांड्स दिए होते हैं जिन कमांड्स को फॉलो करके हम कंप्यूटर में नया पेज खोल सकते हैं या कंप्यूटर यानी कि वर्ड पैड में नया पेज खोल सकते हैं या नया विंडो खोल सकते हैं या फिर हम ऑलरेडी सेव्ड प्रोग्राम का विंडो खोल सकते हैं या फिर हम किसी भी प्रोग्राम को प्रिंट करने का ऑप्शन दे सकते हैं या फिर किसी प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं. जो ऑलरेडी जिस पे हम काम कर रहे हैं उसको हम सेव एज करके उसको नाम दे सकते हैं. पहली बार जब हम किसी भी चीज़ को सेव करते हैं तो सेव एज करते हैं तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुल जाता है और उस डायलॉग बॉक्स में हमसे प्रोग्राम का नाम पूछा है. अभी तक जो नाम दिया है, सपोज़ हम कुछ भी लिख रहे हैं, ऊपर हमको नाम क्या दिखाई दे रहा है? अनटाइटल्ड वर्ड पैड. अब अनटाइटल्ड वर्ड पैड को जब हमने उसमें पूरा काम कर लिया है, जो भी हमें टाइप करना था हमने टाइप कर लिया है, टाइप करने के बाद यू नीड टू सेव द फाइल. अब हम किसी भी चीज़ को करने के बाद ख़त्म तो कर नहीं सकते ना, हम उसे सेव करके रखते हैं ताकि हम फ्यूचर में उसे दोबारा यूज़ कर सकें. अब ये जो सेव करने के लिए हमें सबसे पहले अगर हमने पहली बार हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं तो हम उसको सेव एज करके सेव करते हैं. जब हम सेव एज करते हैं तो देर इज़ अनदर स्मॉल डायलॉग बॉक्स जिसमें इट विल आस्क फॉर द नेम. आप वहाँ पे नाम टाइप करोगे, अनटाइटल बार का कोई नाम दोगे और नाम देने के बाद नीचे सेव करोगे और उसके बाद सेव करने के बाद ओके करोगे तो आपकी फ़ाइल उस नाम से सेव हो जाएगी. नाउ यू कैन गो टू ओपन एंड यू कैन ओपन दिस फाइल. लेकिन अब ओपन करके जब हम उस फाइल में काम कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हम उसको दोबारा उस चेंजेस को अगर हमें सेव करना है तो यू विल गो फॉर सेव कमांड एंड ऑल दीज कमांड्स आर प्रेजेंट इन द फाइल टैब. आपका फाइल टैब है या वर्ड पैड बटन जिसे कहते हैं. आप देख लो, दिस इज वर्ड पैड बटन या फिर ये सारे वर्ड पैड बटन इसको हम कहते हैं या फिर फाइल टैब कहते थे. पहले हम इसको मेनू बार कहते थे, इसमें होम होता था, व्यू होता था या फिर फाइल होता था और वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोग्राम है, उसमें अलग अलग इसी तरह से ऑप्शंस हुआ करते थे. लेकिन इस पूरे को हम अब टैब कहते हैं. टैब में सबसे पहले हमारे पास फाइल होता है, उसके बाद हमारे पास होम होता है और उसके बाद हमारे पास व्यू होता है और इनके अंदर अलग अलग हमारे पास टूल्स होते हैं और जो कि नीचे दिए रहते हैं. अगर हम फाइल पे करेंगे तो हमें एक आपके रिबन पे कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन जब हम फाइल पे करते हैं तो ये डाउन एरो की है तो यहाँ पे छोटा सा हमें एक प्रोग्राम लिस्ट मतलब एक कमांड लिस्ट खुलता है जिसमें पेंट होता है, जिसमें न्यू होता है, ओपन होता है, सेव होता है, सेव एज होता है या फिर प्रिंट होता है और कुछ और होते हैं जो अभी आपके काम के नहीं है. उसके बाद होम पे हम जाते हैं तो होम पे कुछ बटन्स हमको जो नीचे रिबन पे दिखते हैं वो अलग होता है और व्यू पे जाते हैं तो हमें कुछ अलग दिखते हैं, अबाउट विच वी विल बी रीडिंग लेटर ऑन इन द सेम चैप्टर. सो अभी तक हमने क्या पढ़ा चिल्ड्रन? इन दिस वीडियो वी स्टडीड दैट वर्ड पैड इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट. अगर आपको टेक्स्ट टाइप करना है कंप्यूटर में तो आप या तो नोट पैड यूज़ कर सकते हो या फिर वर्ड पैड कर सकते हो. तो नोट पैड यू ऑलरेडी नो. नाउ यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट अनदर प्रोग्राम दैट इज वर्ड पैड. वर्ड पैड इज सिमिलर टू नोट पैड बट वर्ड पैड इज़ अ बेटर वन बिकॉज देयर इट इज़
a revised one, or it is somewhat better than the notepad. तो नोटपैड सिंपल सा था, इसलिए हमने क्लास टू में उसे पढ़ा था. और क्योंकि हमको आ गया है कि कैसे हम टाइप करते हैं, तो हम थोड़ा उसे अच्छा वाला प्रोग्राम देखेंगे, दैट इज़ वर्ड पैड. तो उसमें कुछ और ऐसे ऑप्शंस है जो हम वर्ड पैड में यूज़ कर सकते हैं. वो ये है कि वर्ड पैड में जो भी हम लिखते हैं उसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसको हम थोड़ा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बना सकते हैं. जब हम कोई मतलब टेक्स्ट लिखते हैं या कोई हेडिंग बनाते हैं, तो उसको स्टाइल में लिख सकते हैं, थोड़ा उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इसलिए हम वर्ड पैड का यूज़ करते हैं. अगर नोट पैड में लिखते हैं तो हम सिंपल राइट करते हैं, लेकिन वर्ड पैड में हम किसी भी रिटन टेक्स्ट को मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं, उसे अट्रैक्टिव बना करके भी लिख सकते हैं. सो देन वी स्टडीड हाउ टू स्टार्ट वर्ड पैड. इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट वर्ड पैड, वंस अगेन यू विल गो टू द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप में एट द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर ऑफ योर डेस्कटॉप चिल्ड्रन यू हैव अ स्मॉल बटन इन विच यू कैन सी द फ्लैग ड्रॉन. और वो फ्लैग वाले बटन को हम स्टार्ट बटन कहते हैं. वैन यू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन यू विल गेट लिस्ट ऑफ प्रोग्राम. बिलो एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट यू विल हैव ऑल प्रोग्राम. ऑल प्रोग्राम करके हमको एक बड़ा सा लिस्ट खुलता है, और उस लिस्ट में हम विंडो एसेसरीज को ढूंढते हैं. विंडो एसेसरीज पे जब क्लिक करते हैं तो हमें उसके नीचे कुछ प्रोग्राम सब प्रोग्राम्स दिखाई देते हैं. इन दैट सब प्रोग्राम यू विल सर्च फॉर वर्ड पैड. व्हेन यू गेट वर्ड पैड यू विल क्लिक ऑन वर्ड पैड. सो यू विल गेट द विंडो ऑफ वर्ड पैड. आपको वर्ड पैड विंडो दिख जाएगा. और नाउ आफ्टर getting the WordPad window, it is ready, the window is ready to work, or you are ready to work. You can work on the computer by typing letters, words or sentences from the keyboard. So children, this is all for today. We will meet once again in our next video, and we will move further into the chapter. Till then children, go through the video, read the chapter, try to learn the spellings, so that it will be easier for you to understand the remaining part of the chapter easily. So children, thank you and have a nice day.